अगर अपराधियों के बारे में गोपनीय सूचना देना है, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज देना है, तो आप एक नंबर देता हूं जो मेरा नंबर है 9431602301। फिर रिपीट करता हूं 9431602301। इस नंबर पर बेफिकर होकर के, निश्चिंत होकर के, पूरी गोपनीयता आपकी बनी रहेगी। आप कोई भी सूचना दीजिए, कहां कौन हथियार रखा है, कहां कौन दारू रखा है, कहां कौन डाकू छुपा हुआ है, कहां कौन चोर छुपा हुआ है, कहां डकैती हुई, उसमें कौन अपराधी शामिल थे, कहां जो भी सूचना देना है इस नंबर पर दीजिएगा। ये डीजीपी बिहार का पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर कोई भी दी हुई सूचना पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। और आप सूचना देकर हमारा सहयोग कर सकते हैं बिहार के लोगों से, खास करके बिहार के नौजवानों से। हर एक जिला से हजारों की संख्या में नौजवान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर ये बिहार को एक एक पवित्र भूमि है और इसको, इसकी पवित्रता को बनाए रखना है, तो अपराधियों को यहां से भगाना होगा, अपराधियों पर कार्रवाई करनी होगी, और इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। तो आप सूचना देकर हमारा सहयोग कर सकते हैं। बिहार के नौजवानों, आप जहां भी हों, जिस गांव में, जिस शहर में, जहां भी हैं, मेरी आंख बन जाइए, मेरा कान बन जाइए, और आप इस नंबर पर जो मैंने बताया है, आप अपराधियों के बारे में सूचना दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और ये बिहार की सबसे बड़ी सेवा है, मातृभूमि की सबसे बड़ी सेवा है। मनुष्यता का यही मतलब है कि समाज में खुशहाली हो, इसके लिए हम लोग कुछ करें। कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारी छवि खराब हो। एक निर्दोष आदमी को हाथ नहीं लगाना है, एक निर्दोष आदमी को जेल नहीं भेजना है। केस में बहुत गड़बड़ी होती है, आधा लोग निर्दोष जेल में जा रहे हैं, मैं इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कई केसेज में मैंने देखा है, जैसे बेतिया में एक निर्दोष 22 साल के लड़के को झूठे बलात्कार के केस में डाल करके 4 महीने जेल में रखा गया। उसी तरह की बहुत सारी चीजें जनता दरबार मेरे सामने आती हैं। तो जो भी थानेदार हो या आईओ हो या डीएसपी हो, जो भी निर्दोष आदमी को जानते हुए अगर जेल में भेजेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। न्याय करो, एकदम ईश्वर ने तुम्हें यह कुर्सी दी है तो न्याय करो। जो शोषित हैं, दलित हैं, अकलियत के लोग हैं, गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं, पैरवी नहीं, सब लोगों की बात को सुनना है, सबके दुख को दूर करना है। और सरकार की इज्जत तभी बढ़ेगी जब जमीनी स्तर पर न्याय होने लगेगा, तब असली सुशासन की सुगंध चारों तरफ जाएगी और सरकार की प्रतिष्ठा बढ़े। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम चाहें तो एक सप्ताह में पुलिस की छवि को बदल सकते हैं। किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करें पुलिस वाले, किसी को बदजुबान नहीं बोलें, किसी गरीब या कमजोर आदमी के साथ अन्याय, शोषण, जुल्म ना होने दें, न खुद करें, तो पुलिस की छवि बढ़ जाएगी। तो एकदम जमीनी स्तर पर न्याय होना चाहिए। और मैं थानेदारों से, डीएसपी और सारे फील्ड के जितने अधिकारी हैं उनसे कहूंगा, फिर कहूंगा, गुंडा रजिस्टर को तुरंत अपडेट करो। गांव गांव के जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, अपराध करने वाले हैं, गरीबों पर शोषण जुलूम करने वाले हैं, दारू बेचने वाले हैं, जुआ लॉटरी का धंधा करने वाले हैं, अपराध करने वाले हैं, गिरवेदन, चोरी, डकैती, लूट, रंगदारी करने वाले हैं, सबकी सूची बना करके गुंडा रजिस्टर में डालो और एक एक को खोजना शुरू करो। स्पीडी ट्रायल कराओ केसेज में। पुराने जितने जो चोर, लुटेरे, गुंडे, बदमाश, रंगदार हैं, उनकी सूची बनाओ और देखो कि वो जेल में है कि बाहर है, बाहर है तो क्या कर रहे हैं। जितने वांटेड हैं उनकी कुड़की जब्ती करो। कुड़की जब्ती ऐसा करो कि देख करके लोगों की रूह कांप जाए कि ऐसी कुड़की जब्ती होती है। इतनी सख्ती करनी होगी। और गश्ती को टाइट करें, अपना सूचना तंत्र को मजबूत करें, चौकीदारी परेड कीजिए, एक एक चौकीदार को जिम्मेदारी दीजिए। जिस चौकीदार के क्षेत्र में कोई अपराध की घटना घटित होती है तो थानेदार की जितनी जिम्मेवारी है उतने ही चौकीदार की भी जिम्मेवारी है। तो चौकीदारों पर भी जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। और सारे डीएसपी, सारे एसपी जब थाना जाएं तो चौकीदारों से बात करें, चौकीदारी परेड करें, उनसे सूचना संकलित करें। जो अपराधी हैं, जो शराब माफिया हैं, जो चोर, डकैत, रंगदारी करने वाले, जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, उनके संपत्ति का पता लगा करके उस संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी सारे एसपी लोग करें। ये बहुत जरूरी है। अगर हम अपराधियों के खिलाफ जोरदार ढंग से हल्ला बोलेंगे और गरीब आदमी का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ेगा,
ये बहुत जरूरी है, ये हम सबों को करना है। और मैं यहाँ की जो जनता है, जो नौजवान है, उनसे अपील करता हूँ कि अपराधी किसी जात का नहीं होता, किसी मजहब का नहीं होता। आप अगर अपराधी को जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, दल के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर अगर संरक्षण देते हैं तो अपराध अकेले हम नहीं रोक सकते। अपराधियों को जिस दिन सामाजिक संरक्षण मिलना बंद हो जाएगा उस दिन अपराध रुक जाएगा। तो जात का हो या आपके मजहब का हो या आपके दल का हो, अपराधी का किसी प्रकार सहयोग नहीं करें। और बिहार के नौजवानों से, आम जनता से, सारे लोगों से, अमन पसंद लोगों से मैं ये प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ करके कि आप पुलिस, आपको मालूम है कौन अपराधी है आपके गांव में, आपके शहर में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, कौन लूट करता है, कौन डकैती करता है, कौन जुआ खिलाता है, कौन लॉटरी खिलाता है, कौन शराब बेचता है, बेचवाता है, कौन माफिया है, कौन क्रिमिनल है, सब जानते हैं आप। डर से पुलिस को बताना नहीं चाहते, मेरा नाम खुल जाएगा, मेरी हत्या हो जाएगी, मेरे ऊपर अपराधी आक्रमण कर सकते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, डीजी सेल का एक नंबर देता हूं, आप लिख करके रखिए, पटना का कोड है 0612। और एक नंबर देता हूं 2294178, 2294178। कोई भी गोपनीय सूचना किसी अपराधी के बारे में आप देना चाहते हैं आप इस नंबर पर दे सकते हैं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ सकते हैं, जरूरत होगी तो आपसे संपर्क किया जाएगा। दुर्भावना से मत कोई सूचना दीजिए, दुश्मन को फंसाने के लिए कोई सूचना मत दीजिए, सही में जो अपराधी हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए, पक्का कार्रवाई होगी। कार्रवाई में थोड़ा समय लग सकता है, धीरज बनाए रखिए, लेकिन कार्रवाई होगी। और अगर अपराधियों के बारे में गोपनीय सूचना देना है, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज देना है, तो आप एक नंबर देता हूं जो मेरा नंबर है 9431602301। फिर रिपीट करता हूं 9431602301। इस नंबर पर बेफिकर होकर के, निश्चिंत होकर के, पूरी गोपनीयता आपकी बनी रहेगी। आप कोई भी सूचना दीजिए, कहां कौन हथियार रखा है, कहां कौन दारू रखा है, कहां कौन डाकू छुपा हुआ है, कहां कौन चोर छुपा हुआ है, कहां डकैती हुई, उसमें कौन अपराधी शामिल थे, कहां, जो भी सूचना देना है इस नंबर पर दीजिएगा। ये डीजीपी बिहार का पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर कोई भी दी हुई सूचना पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। और आप सूचना देकर हमारा सहयोग कर सकते हैं बिहार के लोगों से, खास करके बिहार के नौजवानों से। हर एक जिला से हजारों की संख्या में नौजवान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर ये बिहार को एक एक पवित्र भूमि है और इसको, इसकी पवित्रता को बनाए रखना है तो अपराधियों को यहां से भगाना होगा, अपराधियों पर कार्रवाई करनी होगी, और इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। तो आप सूचना देकर हमारा सहयोग कर सकते हैं। बिहार के नौजवानों, आप जहां भी हों, जिस गांव में, जिस शहर में, जहां भी हैं, मेरी आंख बन जाइए, मेरा कान बन जाइए, और आप इस नंबर पर जो मैंने बताया है, आप अपराधियों के बारे में सूचना दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और ये बिहार की सबसे बड़ी सेवा है, मातृभूमि की सबसे बड़ी सेवा है, मनुष्यता का यही मतलब है कि समाज में खुशहाली हो, इसके लिए हम लोग कुछ करें। ये अगर करते हैं तो बहुत हमको, आपके इस काम से हमको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। मैं पुलिस वालों से फिर कहता हूँ, सभी थानेदारों से, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सभी सिपाहियों जागो, सभी हवलदार भाइयों जागो, सभी थानेदारों जागो, डीएसपी एसपी साहब सब लोग जगिए, और ये सुनिश्चित कीजिए एक भी अपराधी बचे नहीं, चाहे वो कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो। एक एक अपराधी की सूची बनाइए, उसके घर को कोड़िए, रेड कीजिए, छापामारी कीजिए, वांटेड है कुड़की जब्ती कीजिए। आम आदमी की जिंदगी को तबाह करके कोई अपराधी संपत्ति जमा करके और ऐश्वर्य भोगे, इस चीज को अगर हम देखते हैं तो हम बिहार पुलिस को धिक्कार है। हम लोगों को मिलजुल करके इसमें काम करना है, हम लोग मिलजुल करके काम करें, एक भी निर्दोष आदमी को पुलिस की परेशानी न झेलना पड़े, एक भी आदमी निर्दोष जेल न जाए। जनता के साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं करता है वो पुलिसकर्मी अच्छा नहीं है। तो आज की मेरी ये जो वीसी थी, आज मैं संवाद करने आया था अपने पुलिस भाइयों के लिए, सिपाहियों, हवलदारों, थानेदारों, सब रैंक के सब लोगों के लिए। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं सारे पुलिसकर्मियों को इज्जत करता हूं, लेकिन पुलिस में रह करके जो अपराधी की तरह व्यवहार करते हैं
उनके खिलाफ हूं और उनके साथ मेरा कोई समझौता नहीं हो सकता। तो आपसे अपील करता हूं पुलिस के हमारे सभी मित्रों कि आप बिहार की जनता के लिए उठिए, जगिए और अच्छा काम करिए, अपराधियों पर कहर बंद करके टूटिए। और बिहार के नौजवानों आम जनता से अपील करता हूं कि आप मेरा साथ दें, साथ केवल सूचना से दें, बिल्कुल बेफिक्र होकर के दें, निश्चिंत होकर के दें, आपकी गोपनीयता बरकरार रहेगी और आप सूचना देना शुरू करेंगे। इसलिए मैंने आज ये दो नंबर जारी किया है, एक मोबाइल नंबर है, एक लैंडलाइन का नंबर है। व्यक्तिगत दुख तकलीफ कहने के लिए इस नंबरों का प्रयोग ना करें। अगर व्यक्तिगत कोई समस्या है तो उसके लिए मैं अलग नंबर दे रहा हूं, वो नंबर है 9431602302। इस पर आप व्यक्तिगत कोई परेशानी है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। एक और बात, मेरे निजी नंबर पर कोई फोन न लगाएं, मेरे निजी नंबर पर कोई बात न करें। मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, आप व्हाट्सअप करते हैं निजी नंबर पर, बहुत लोगों के पास मेरा निजी नंबर भी चला गया है, या फोन करते हैं तो बहुत मुझे परेशानी होती है। मैं 10 बजे से 5 बजे तक ही उस निजी नंबर को यूज करता हूं और केवल मेरा व्यक्तिगत निजी नंबर है, उस पर ये प्रोफेशनल बातें नहीं हो सकती। मेरे निजी नंबर पर नहीं कॉल करें, ये दिया हुआ है। और जनता दरबार के बारे में बहुत लोग पूछते रहते हैं कब होता है, कैसे होता है, तो हर एक वर्किंग डे को माने सोमवार से शुक्रवार तक, सरकारी अवकाश का दिन छोड़कर, सोमवार से शुक्रवार तक रोज 4 बजे मैं आम जनता से मिलता हूं। मैं ऑफिस के नीचे, एक बहुत बड़ा हॉल है, मैं खुद आकर के बैठ जाता हूं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, किसी की पैरवी की जरूरत नहीं, किसी विधायक की, किसी मंत्री की, किसी अधिकारी की, किसी के पैरवी की जरूरत नहीं। आप सीधे आ जाइए, अगर आपकी बात जायज है मैं आपकी बात सुनूंगा, आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं पुनः आप लोगों को प्रणाम करता हूं, अपने पुलिसकर्मियों को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सिपाहियों जाग जाओ, सारे पुलिस के जितने थानेदार हैं, इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, सबको मैं अनुरोध करता हूं, बिहार पुलिस की इज्जत बचानी है, अपनी गरिमा को कायम रखना है और बिहार के गौरव को, इसकी मर्यादा को बनाए रखना है तो अपराधियों को कहर बंद करके टूटना होगा और बिहार की आवाम को राहत देनी होगी। और बिहार के नौजवानों से भी मैं अपील करता हूं कि अगर आपके अंदर जमीर है, जोश है, तो आइए अपराधियों के खिलाफ, शराब माफियों के खिलाफ संगठित होकर हमको सूचना से हमारा हाथ मजबूत कीजिए। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम।